दान भोग और नाश, दान करो भोग करो, नहीं तो नाश ऑटोमेटिक हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं, अपने आप बर्बाद हो जाता है। दान भोग और नाश, पहली पीढ़ी धन कमाती है, दूसरी भोगती है, तीसरी बर्बाद कर देती है। इसके लिए जीते हो, तीन पीढ़ी से ज्यादा धन नहीं जाता आगे कभी, तीसरी पीढ़ी में धन बर्बाद हो जाया करता है। जिंदगी को संभाल करके जियो। मान्यवर, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आज उत्तम त्याग का दिन है, त्याग मुनि महाराज करते हैं, दान श्रावक किया करता है। हम दान नहीं कर सकते हैं, हम त्याग कर सकते हैं। तुम त्याग नहीं कर सकते, तुम दान कर सकते हो। दान और त्याग में थोड़ा अंतर है। दान अपनी वस्तु का किया जाता है, दान के लिए पदार्थ होना जरूरी है, त्याग के लिए जरूरी नहीं है, ध्यान रखिए। दान उत्तम से उत्तम वस्तु का किया जाता है, त्याग निकृष्ट चीजों का किया जाता है। कुछ चीजें संसार में ऐसी हैं जिनका केवल दान होता है, उनका त्याग नहीं हो सकता है। कुछ चीजें संसार में ऐसी हैं जिनका केवल त्याग हो सकता है, उनका दान नहीं हो सकता है। और कुछ चीजें संसार में ऐसी हैं जिनका त्याग भी हो सकता है, उनका दान भी हो सकता है। हैं कौन सी चीजें मालूम है? जिसका त्याग हो पर दान नहीं कर सकते, क्रोध का क्या करते हो, दान या त्याग? बोलो, मान का? किसी को बोला मेरा थोड़ा सा क्रोध तुझे दान में देता हूं, दे सकता है क्या कोई? क्रोध का दान नहीं होता, कसाईयों का दान नहीं होता, कसाईयों का त्याग किया जाता है, राग द्वेष का त्याग किया जाता है। कोई ये थोड़ी बोलता है कि ले भैया तू मेरे घर आया है एक डिब्बा राग ले जा, कोई बोलता है क्या? नहीं, राग द्वेष का त्याग होता है, कसाईयों का त्याग होता है, इनका दान नहीं कर सकते जीवन में। विचार करिए, दान किसका होता है? किसी का त्याग होता है, दान नहीं। राग द्वेष का त्याग हो सकता है लेकिन दान नहीं हो सकता है। ज्ञान दान, ज्ञान का दान होता है, ज्ञान का कोई त्याग कर सकता है? बोलिए। इसलिए मैंने कहा मैं मुनि हूं, मैं दान कर सकता हूं ज्ञान का। अभय दान, अभय का त्याग नहीं होता है, राग द्वेष का त्याग होता है, दान नहीं। ज्ञान का दान होता है, त्याग नहीं। अभय का दान होता है, त्याग नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका दान भी होता है, त्याग भी होता है। रुपया पैसा, समझ में आ रहा? इसका दान भी कर सकते हो, और महाराज बनने की बुद्धि आ गई तो त्याग भी कर सकते हो। मकान, दान भी कर सकते हो, त्याग भी कर सकते हो। कर सकते हो या नहीं, विचार करिए। आपसे मेरा निवेदन है, त्याग बड़ा है, दान छोटा है। दान में दो लोग चाहिए, एक लेने वाला और एक देने वाला। त्याग में दो नहीं चाहिए, अकेले ही तीनों लोक की संपदा का त्याग कर सकते हो, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। मान्यवर, जब भी दान करो ना, त्याग भाव से दान करना। पहली शर्त दान की जो आपको परलोक में सुख देगा, त्याग भाव से दान करना। नाम के लिए दान मत करना, त्याग के लिए। सौभाग्य समझना कि मुझे ऐसा अवसर, किसी को नीचा दिखाने के लिए दान मत करना कि हम बड़े और तुम छोटे, हम इतना दान करते हैं। मान के हाथी पे मत बैठ जाना जाकर के। मान्यवर, अहंकार के लिए दान मत करना, बदले की भावना के लिए दान मत करना कि मैं तुम्हें इतना दे रहा हूं तुम मुझे इतना दे देना। नहीं, ये सारा दान आपका व्यर्थ हो जाएगा। कैसे दान करना? सौभाग्य से दान करना। संत ने कह दिया एक सामान यहां लाइए, सौभाग्य, रोम रोम रोमांचित हो जाए कि गुरुओं ने हमें इसे योग्य समझा। दान मत भूलना कभी जिंदगी में। एक संत हुए राम कृष्ण परमहंस, बहुत बड़े संत हुए वैदिक परंपरा में। वो एक दिन भिक्षा लेने निकले, एक बुढ़िया के पास पहुंचे, भिक्षाम देही, जो तेरे पास हो मेरे पात्र में डाल दे। उस दिन बुढ़िया के पास कुछ नहीं था, दुर्भाग्य तो देखो, खाने का भोजन नहीं, पीने का पानी नहीं। रामकृष्ण ने कहा कि माता, जो तेरे पास है मेरे पात्र में डाल, ये संत तुझसे मांग रहा है। बुढ़िया ने नजरें झुका ली, ना कर नहीं सकते, है कुछ भी नहीं, संत मांग रहा है। आंखों में आंसू, बोले मां, क्या तेरे घर से मैं खाली लौटूंगा? उसने कहा, संत जी, मेरी गरीबी का मजाक मत बनाओ,
मेरे पास आज कुछ भी नहीं है, रोटी भी होती तो मैं तुम्हें दे देती, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। संत ने कहा मां ऐसा मत बोल, जो है दे। अंदर गई रसोई में, सब डिब्बे खाली पड़े, सब बर्तन खाली पड़े, क्या दे दूं मैं तुमको। रामकृष्ण ने कहा मां खाली नहीं जाऊंगा, कुछ तो चाहिए। सोच में पड़ गई वो बुढ़िया। संत रामकृष्ण ने कहा मां जिस आंगन में तू खड़ी है उसकी धूल मेरे पात्र में डाल दे। बुढ़िया ने कहा संत जी ये कैसा मजाक है, धूल तेरे पात्र में डाल दो, क्या करोगे धूल का। संत ने कहा माता मैं क्या करूंगा, ये सोचना दानी का काम नहीं है, दानी का काम तो देना होता है। यदि मैं दुरुपयोग करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी, तुझे मिलने वाली नहीं है। ये मिट्टी मुझे दे दे, मिट्टी कैसे दे दूं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मां मैं जानता हूं कि मिट्टी मेरे किसी काम ना आएगी, लेकिन यदि तूने एक मुट्ठी राख मेरे पात्र में डाल दी ये तेरे बहुत काम आएगी। बोले क्या काम आएगी। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा मां आज तेरे पास नहीं है तो तू ना कह रही है, कल आऊंगा, कल तेरे पास नहीं होगा तब भी तेरे मुंह से ना निकलेगा। मां ये मिट्टी डाल, अपनी जुबान को ना कहने के संस्कार मत दे, क्योंकि आज नहीं है तो ना कह रही है, और ये ना की आदत पड़ गई ना तो जब होगा तब भी तेरे मुंह से ना ही निकलेगा। बात पैसों की नहीं, बात संस्कारों की है। यदि तेरी जुबान ने ना कहने की आदत डाल ली तो होने के बाद भी तेरे मुंह से ना निकल। ध्यान रखना जिनके पास नहीं है वो ये ना बोलें कि हम नहीं देंगे, अरे जो है वह दीजिए, नहीं तो ये ना कहने की आदत जिंदगी को बर्बाद कर देगी। एक सेठ था, मेरे प्रवचन में आता था, सबसे पीछे बैठता, बहुत पैसा था उसके पास, सबसे लास्ट में बैठता था। दशलक्षण पर्व में आया, 8 दिन तक पीछे बैठा, किसी ने पूछा ही नहीं कि सेठ जी आगे आओ बैठो। उसने कहा यार ये सब पैसे वाले तो स्टेज पे चढ़ रहे हैं, मुझे कोई बुलाता नहीं, अब तुझे बुलाए काहे को, कोई बात वो तो नियम है भाई, जो जिसमें फूल लगेंगे उसमें ही पानी डालेंगे, जिसमें नागफड़ी को कौन सींचेगा, ध्यान रखिए गुलाब को ही सींचा जाता है ना। वो आया मेरे पास, बोले महाराज आप भी धनपतियों का सम्मान करते हो, आप भी धनपतियों का नाम लेते हो, गरीबों का तो नाम ही नहीं लेते हो। मैंने कहा नहीं मैं तो भगवान के अलावा किसी का नाम नहीं लेता ईमानदारी से। बोले नहीं मंच पे आप बुलाते हो, जो दान करता है उसको माला पहनाते हो, उसके तालियां बजती हैं, उसको मोमेंटो देते हो, मैं 8 दिन हो गए मुझे नहीं पूछा। मैंने कहा पूछूंगा भी नहीं। तो मैंने कहा सेठ क्या चाहता है। बोले बरसों से मैं इस शहर में हूं, कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं है, पीछे बैठा रहता था जहां चप्पलें उतारते हैं। एक दिन उसे ना जाने क्या सनक चढ़ गई, बड़ी ऐसी सनक, 5 लाख की बोली ले ली। अरे पूरा पंडाल मुड़ के देख रहा, ये कंजूस मक्खी चूस। मक्खी चूस यदि बोली भी ले लेना तो लोगों के अंदर यही चलता, क्या मालूम देगा कि नहीं। आज तक जिसने 1 रुपया नहीं दिया है और 5 लाख की बोली, सारा पंडाल पीछे मुड़ के देख रहा है उसको। उसने कहा क्या बात है, आज तो सब मुझे देख रहे हैं, 5 लाख की बोली। बोले आइए सेठ जी आइए, पीछे क्यों बैठे हो, आगे आना। स्टेज पे बुलाया, माला पहनाई, फूलों की तालियां बजी, मोमेंटो दिया, मजा आ गया, आज सेठ ने दान किया। इतना खुश हुआ सेठ, मेरे कमरे में आया, बोले महाराज तुम्हारे यहां भी राजनीति होती है क्या। मैंने कहा क्यों। बोले तुम्हारे यहां भी, मैंने इतने दिन से तो मुझे किसी ने पूछा नहीं, आज बोली ले ली, हजारों लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे, सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी, ये राजनीति नहीं है तो क्या है। मैंने कहा पागल है तू, ये राजनीति नहीं, ये महाराजनीति है, ध्यान रखना। राजनीति तो दिल्ली में और गांधीनगर में चला करती है, हमारे पंडाल में तो महाराजनीति चला करती है। बोले महाराज आप भी यही करते हैं क्या। मैंने कहा हाँ मैं भी यही करता हूं। तो बोले तुम में और एक नेता में क्या अंतर है। मैंने कहा बहुत अंतर है मुझ में और नेता में, यहां स्वागत होता है, सत्कार होता है। बोले आज मेरा सत्कार हुआ। मैंने कहा सेठ सत्कार तेरा नहीं हुआ, ना आज हुआ ना कल होगा, तू धनपति कल भी था और धनपति आज भी है, पैसा तेरे पास कल भी था और पैसा तेरे पास आज भी है। कल तक क्या नजारा था, लोग तुझे पलट के नहीं देखते थे,
और आज क्या नजारा है, हर कोई जय जिनेन्द्र करने को तैयार हो गया है। बोल जितने लोग जय जिनेन्द्र कर रहे हैं इनको तू कुछ पैसा देगा क्या? बोले नहीं मैं काय को दूंगा। तो इनका फिर भी लोग जय जिनेन्द्र कर रहे हैं, कल तक कोई पूछता नहीं था। तो बोले ऐसा क्यों है, ये क्या पॉलिटिक्स है? मैंने कहा पॉलिटिक्स नहीं है, ये जो तेरा सम्मान हुआ है ना सेठ, तेरा सम्मान कोई दुनिया नहीं कर सकती है। और हकीकत में मैं पुलक सागर कहता हूं, आदमी का सम्मान नहीं हुआ करता है, ध्यान रखना। मैंने कहा सेठ कल भी तू धनपति था और आज भी धनपति है, स्टेज पर यदि सम्मान हुआ है तो तेरे धन का सम्मान नहीं हुआ, जो धन का तूने दान किया है उसका सम्मान हुआ करता है, पैसों का कोई सम्मान नहीं। जो धन का तूने दान किया है, सम्मान तो दान का होता है, ध्यान रखना। दान दे मन हरस विशेष, यह भाव जस पर भाव सुख, ध्यान रखना। पैसों का सम्मान नहीं होता किसी दुनिया में, पैसे छोड़ते हो ना उसका सम्मान हुआ करता है, उसकी जय जयकार हुआ करती। अभी जो माला पहन के गए 50,000, तो इनके पास पहले भी थे ना? नहीं थे। मैं बुलाता क्या तुमको? अपने घर में करोड़ों भी रखो तो कौन पूछता है, लेकिन जब उस करोड़ों में से थोड़ा दिया जाता है तो स्वर्ग के देवता भी उसको प्रणाम किया करते हैं। हमारे यहाँ जोड़ने का सम्मान नहीं होता, हमारे यहाँ छोड़ने का सम्मान हुआ, छोड़ने की कीमत है। त्यागियों का सम्मान है ये, दानियों का सम्मान है ये, जोड़ने वालों का सम्मान नहीं है। जोड़ जोड़ कर मर जाओ, कितने होंगे करोड़पति जिंदगी में दान नहीं देते, कौन पूछता है उनको? दान दे मन हरस विशेष, हर्ष के साथ दान दीजिए। थोड़ा सा भी दिया हुआ तर जाया करता है, मन में श्रद्धा भक्ति लेकर जो तू दान करेगा, ऊपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा, ऊपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा। लगे कांपने हाथ, बता तू देना कब सीखेगा। जोड़ नहीं जोड़ना सीखा, बटोर नहीं बटोरना, मेरा तो मेरा, पड़ोसी का भी मेरा, उसका भी मेरा, बस चले तो मंदिर का भी मेरा, ध्यान रखना। लगे कांपने हाथ, बता तू देना कब सीखेगा, रोज वो तेरी लेन देन की खाता वही लिखेगा। और कैसे भुना सकेगा रे पगले, कैसे भुना सकेगा रे पगले, जब जमा ही कुछ न करेगा, ऊपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा। चंदन वाला के पास हीरे मोती होते ना तो कोई पुलक सागर उसका प्रवचन में सम्मान से नाम नहीं ले रहा होता। चंदन वाला के पास अपार दौलत भी होती तो धार्मिक पुस्तकों में उसका नाम नहीं आता, लेकिन चंदन वाला जब भूखी रहकर किसी महावीर को आवाज लगाती है और कहती है कि आओ प्रभु, जब तक दूंगी नहीं तब तक ग्रहण नहीं करूंगी, ध्यान रखना, उसका नाम अमर हुआ करता है, जो लेने से पहले देना सीखा करता है। मान्यवर, मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहारे, शास्त्रों में ये लिखा है, जब तक मुनि का आहार नहीं हो जाए भोजन नहीं करना। हमारे यहाँ तो नाश्ता करके आते हैं लोग, खा पी के चलो, हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि, चल बड़ा पाव खा के आया, मन शुद्धि कर गया है, ध्यान रखना, विचार करना। जब तक मुनि का आहार ना हो जाए श्रावक भोजन नहीं करता है, ध्यान रखना। कैसे अभागे घर हैं कि आपके यहां मुनि आए और आपके दरवाजे बंद हो, आपके शहर में मुनि आए आपके घर उनके चरण ना पड़े, अभागे लोग हुआ करते हैं, ध्यान रखना। संत चरण जहां पड़ जाए वो घर घर नहीं रहता, वो पूजा का स्थान हो जाया करता है, ध्यान रखिए, वो मंदिर हो जाता है। किस काम की दौलत एक संत की छुदा ना मिटा पाए, किस काम का वो पैसा कि एक संत तुम्हारे यहां भोजन को ना आए। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, ध्यान रखिए। मान्यवर, घरों में चरण संतों की पड़, 16 तारीख से तैयार हो जाइए, मैं भी तैयार हूं तुम भी तैयार, विचार करिए संत चरण ना पड़े घरों में, घर बेकार हुआ करता है। अतिथि बनकर संत ना आए, एक बात याद रखना, कामी भोगी को कितना भी खिला देना, ये आ रहा ना अभी पारणा होगी, इनको खिलाओगे खाओ लोगों को, ध्यान रखिए। मान्यवर, असली पारणा वो नहीं होती
कि समाज आके खाके चली जाए। और असली पारणा तो तब होती है जब किसी संत का तुम्हारे घर में आगमन हो जाए। ध्यान रखिए, तपस्या की अनुमोदना वह साधना होती है। नहीं रिश्तेदार बुलाएंगे, यहां वहां के बुलाएंगे, क्या होगा? आचार्य पद्मनंदी महाराज पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखते हैं कि पूरी समाज को भोजन कराओ, उसमें वो आनंद नहीं आता। मुनि को एक ग्रास भोजन दो, जीवन का आनंद आ जाया करता है। ध्यान रखिए, इनको क्या खिलाना? ये जिनने ना पर्यूषण किए, ना संयम उनके पास, ना त्याग उनके पास, उनको खिला के तपस्वियों की अनुमोदना। बाहरे भाई, ऐसे में कोई गरीब उपास करेगा? जिसके पास साधन नहीं है वो भावना भाएगा कि मैं उपास करूं? उपास करने का मतलब 2-3 लाख रुपए खर्च करना, ये त्याग की अनुमोदना है। ऐसे में तो मेरे धर्म में तपस्वियों की संख्या कम हो जाएगी। हर किसी का सामर्थ्य नहीं होता मेरे भाई। धनपति हो, अपने धन का ज्यादा दिखावा मत करो, ज्यादा रईसी मत दिखाओ। ध्यान रखिए, चरित्र की अनुमोदना करो। विचार करना है आपको, ये कहां की परंपरा है, कैसी खोटी परंपरा है। कोई उपास कर रहा है, तुम खाने जा रहे हो। समाज में मृत्यु भोज बंद हो गया है, समाज में ये भोज भी बंद होना चाहिए। ध्यान रखिए, कोई गरीब कैसे उपास करेगा? क्या वो धर्म की साधना नहीं कर सकता, धर्म की तपस्या नहीं कर सकता? इतनी ही दौलत है तो किसी जिनालय में लगा दो, किसी गरीब को लगा दो। विचार करना है आपको, सोचना है। क्या मत शादी में खिलाओ, जन्मदिन में खिलाओ, उपवास में खिलाओ। कितने खाऊ हो रे तुम लोग, कहीं भी जाके खा आते हो। विचार करिए, सोचना है आपको। ये गलत कुरूतियां हैं, गलत परंपराएं हैं। हमारा पिछला तबका कभी धर्म में फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। ध्यान रखिए, तपस्याएं तो मत बेचो, तपस्याओं का तो ऐसा सम्मान मत कराओ, अनुमोदना करो उसके तप की, उसके साधना की। मान्यवर, मैंने बात रखी है, करना नहीं करना तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, कहना जगाना मेरा काम है। ध्यान रखिए, करते हो नहीं करते हो, खिलाना है खिलाओ और बुला लो, मैं फोकट वाले बहुत से भेज सकता हूं, खिला लेना। नहीं, गुरुओं को आहार दो, गुरुओं की भक्ति करो, जिनालय के प्रभाव नामे, धर्म प्रभाव नामे पैसा खर्च करो। मैंने कहा ना, कामी भोगियों को खिलाओगे तो विष्टा बनेगा, ध्यान रखना, और भगवान को चढ़ाओगे तो पूजा बनकर के सामने आ जाएगा, पुण्य बनेगा जीवन का। सोचिए, आज उत्तम त्याग का दिन है। कुछ वनस्पति ऐसी हैं जो अपने फलों को दिखाती हैं, कुछ वनस्पति ऐसी हैं, कुछ ऐसी हैं जो अपने फलों को छिपाती हैं, है ना? दो प्रकार की वनस्पति, दिखाने वाली फल अनाज, ये अपने फलों को दिखाती हैं, छिपाने वाली जमीकंद आलू, उसकी वनस्पति उसको छिपा के रखती धरती के अंदर, लहसुन छुपा के रखती है, प्याज छिपा के रखती है, शलजम छुपा के रखती है, गाजर छुप के रहती है। बड़ी मजे की बात है वनस्पति से शिक्षा लेना। जो अपने फल को दिखाते हैं, लुटाते हैं, उनमें बार बार फल लौट करके आते हैं। एक आम अपने फल देता है, अगले साल फिर फलों से लग जाया करता है। एक अमरूद अपने फल लुटाता है, फिर फलों से लग जाया करता है। एक केला अपने फल लुटाता है, फिर बोर की बोर लटक जाया करती है। आलू छिपाता है, ध्यान रखना, जो लुटाता है वो बार बार हरा होते रहता है, जो छिपाते हैं ना वो जड़ से उखाड़े जाते हैं। ध्यान रखना, आलू को जड़ से उखाड़ा जाता है, प्याज को जड़ से उखाड़ा जाता है, जमीकंद जड़ से उखाड़ी जाती है। जो लुटाते हैं उनके पास लौट लौट करके आते हैं, और जो जोड़ते रहते हैं वो जड़ से उखाड़ दिए जाते। जमीकंद कोई तोड़ता है क्या? उखाड़ते हैं जमीन से। आज बड़े बड़े धनपतियों की औलाद जो पैसा कमा कमा के देते हैं ना, ऐसी औलादे होंगी जिनने 4 महीने में मेरे दर्शन भी नहीं किए होंगे। ऐसी औलादे होंगी जो मंदिर में धूप देने नहीं आते होंगे, जो कभी माला नहीं फेरते होंगे। ऐसी औलादे होंगी जिनके लिए तुमने दौलत कमाई है ना, वो मंदिर से दूर भागते होंगे। यदि दौलत के साथ साथ धर्म के संस्कार दिए होते ना, तो पंडाल तुम्हारे बच्चों से भर गया होता। ध्यान रखिए, विचार करिए, मंदिर में बूढ़े बूढ़े लोग थके थकाए, जिंदगी की चोट खाए, विचार करिए। एक बात याद रखना, मंदिरों को जवान करिए, औलाद को जवान तो सब कर लेते हैं, धर्म को जवान करने का पुरुषार्थ करिए अपने जीवन में। और धर्म जवान कब होता है?
जब जवानी मंदिर में प्रवेश किया करती है, ध्यान रखिए, उस औलाद के लिए धन जोड़ रहे हो जो मंदिर नहीं आ सकता है, उस औलाद के लिए पैसा जोड़ रहे हो जो भगवान का भजन नहीं कर सकता है, ध्यान रखिए। कौन देगा संस्कार? मीडियम परिवार के बच्चे तो फिर भी आ जाते हैं, रईसों के बच्चे नहीं आते हैं, ध्यान रखिए। किसमें जीते हैं? डिस्को में जाते हैं, यहां वहां पार्टियों में घूमते हैं, एक से एक पार्टियां करते हैं, पर्यूषण पर्व है, युवा नहीं है। कहां गए तुम्हारे बच्चे? यहां वहां मौज मस्ती, महंगी महंगी बाइक, कान में एयरफोन, घूम रहे हैं, दौलत बाप की बर्बाद कर रहे हैं, इनके लिए पैसा कमाया है। मान्यवर सोचिए, आप विचार करिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि बच्चे गलत हैं, वो नहीं आ रहे हैं, माँ बाप गलत हैं, ध्यान रखना। आपने उन्हें सुविधाएं तो दी हैं, आपने उन्हें महंगे मोबाइल तो दिए हैं, आपने उन्हें हर साधन दिए हैं, धर्म नहीं पकड़ाया उनको, उनके हाथ में धर्म की चीजें नहीं दी हैं, बच्चा धर्म से दूर भागता है, ध्यान रखना। क्या होगा इस जिन शासन का? मान्यवर आपसे निवेदन है मेरा, बड़ी विनम्रता के साथ, इच्छा पूर्ति के लिए धन नहीं कमाना, आवश्यकता के लिए धर्म कमाना। आज क्या हो रही है? आवश्यकताएं कम हो रही है, इच्छा पूर्ति ज्यादा हो रही है। मैं जहां तक मैं सोचता हूं, रसोई घर के डिब्बे कम हो रहे हैं, बाथरूमों की शीशियां बढ़ रही हैं। विचार करिए, धन से पैसा से क्यों रसोई घर के डिब्बे कम है? क्या करें, घी नहीं खा सकते, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, एक डिब्बा कम हो गया, ध्यान रखना। सोचना है, ज्यादा मिर्च मसाला नहीं खा सकते, क्यों? बीपी हाई हो रहा है, रख दो। शक्कर नहीं खा सकता, क्यों? शुगर हो रही है, क्या करें? विचार करिए, रसोई के डिब्बे कम हो रहे हैं, बाथरूमों के बढ़ रहे हैं। ऐसी महंगी महंगी शीशियां तुम्हारे बाथरूम में जाके देखना, ऐसा लगा है, ऐसा मजमा लगा रहता है, ऐसा लगता है बाथरूम है या ये वाला प्रवचन नहीं करना? अच्छा, मैं समझा, ये वाला मत बोलो। बाथरूमों में देखो इतनी शीशियां, क्या क्या आता है? साबुन, शैंपू, फेस वॉश, हाँ, और क्या आता है? ये बाल काले करना, ये नीले करना, ये हरे, आजकल तो काले भी गए, हरे नीले लाल पीले हो रहे हैं, ये छोरों की कटिंग ऐसी हो गई, ऐसी हो गई है, पहले थोड़ा भी बाल छोटा बड़ा हो जाए तो नाई को डांट पड़ती थी, झगड़ा हो जाता था, अब तो साइड से निकाल देता है, ऊपर रहते हैं, ऐसा लगता है ये हाईवे, ये सर्विस रोड। विचार करिए, देखो तो दशा, तो देखो, देख देख के हंसी आती है। कपड़े ऐसे पहने फटे पुराने, वो जींस फटी, बोले जितनी फटी उतनी महंगी। धत तेरे की जिंदगी, इच्छाएं बढ़ रही हैं, आवश्यकताएं। कपड़े पहले पहने जाते थे तन ढकने के लिए, और आज कपड़े पहने जाते हैं तन दिखाने के लिए। विचार करिए, कहां जा रहा है, हम किस मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं। एक बात याद रखना, हमारे शास्त्रों में कहा है, यदि पूजन की धोती में थोड़ा सा भी कट लग जाए, उस धोती को अखंडित नहीं माना जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है। ध्यान रखना, फटे कपड़े पहनेंगे दरिद्रता आएगी, अच्छे कपड़े पहनेंगे संपन्नता झलकेगी। कैसा जमाना हो गया है, विचार करो। उनके बाल देखो तो हंसी आती है, और आजकल हो क्या रहा है, विचार करो। कहा जाता है महिलाओं से कि बाल बढ़ाना, नाखून कटाना, क्या हो रहा जमाना, नाखून बढ़ा रही हैं बाल, बाहरी उल्टी बुद्धि, बिल्कुल विपरीत ही चलना है, क्या सोचना है, विचार करना है आपको। क्या जमाना आ गया है, खाने की सब्जी फुटपाथ पे मिलती है, फुटपाथ पे ठेले में, मैं रोज देखता हूं यहां से निकलता हूं, फल मिल रहे हैं, फ्रूट्स मिल रहे हैं, और बाजू में वो भूतनाथ पानी पूरी, हाँ तेरा तो पूरा व्रत भंग हो रहा है। विचार करिए, खाने के सामान चौराहों पर है, फुटपाथ में है। जमान मती तो देखो कैसी मारी गई, जो पेट के अंदर जाना है वो फुटपाथ पे रखा है, पहनने की चप्पल शोरूम में रखी है। चप्पलें कहाँ मिलती हैं? बहुत सुंदर कांच का शोरूम है, ऊंची हील की चप्पल रखी हुई है, चप्पल महारानी उच्चासन पे, और खाने का पानी पूरी और पानी फुटपाथ पे। क्या जमाना आ गया, पहले के लोग क्या होते थे, भोजन घर में करते थे और शुद्धि करने बाहर जाते थे, अब तुम ढाबे में खाते हो, समझ गए क्या, करने घर में आते हो, बाहरी दशा, घर नहीं वो शौचालय हो गया तुम्हारा, सुलभ कॉम्प्लेक्स। विचार करिए।